बच्चों, a very good morning और a very good afternoon और या evening और night, जब भी ये video आप सभी के सामने आया हो. So आज हम radiation के second lecture पे आ गए. Radiation का first lecture जब हमने लिया तो हमने आपको उसमें black body की basic बातें बताई, आपको emissive power, absorptive power समझाया और Kirchhoff law of radiation समझाया. बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल पार्ट नहीं था, आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल पार्ट काफी है. आज हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर आने वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने हैं, एक अपना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक अपना स्टीफांस बोल्ट्ज़मैन लॉ. कई बार इसको स्टीफांस लॉ भी बोल देते हैं. तो रेडिएशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी के बारे में जाना. ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी जो किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी तरह की वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके. उसके ऊपर जो भी रेडिएशन डालोगे, जिस भी वेवलेंथ की रेडिएशन डालोगे, उसको वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी. ऐसी होती है आइडियल ब्लैक बॉडी. और ब्लैक बॉडी का एक फीचर और पढ़ा कि ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट भी करती है, सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट भी करती है. तो अगर आपको इन सब चीजों के बारे में और डिटेल में जानना है तो प्यारे बच्चों, आपको YouTube पे टाइप करना होगा रेडिएशन 01 फिजिक्स वाला और उस लेक्चर को देखना होगा, या आप फिजिक्स की कोई भी अच्छी किताब लेके उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं. सो माई नेम इज अलख पांडे और ये आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला. और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो पेन और कॉपी निकाल के रख लें और यूज भी करें. ये नहीं निकाल के रख दिया फिर लेक्चर देख रहे सन रखा है, उसको यूज करें. लगातार नोट्स लें, जहां पे मैं बोलूं कि पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें वहां पे डेफिनेटली पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें और तब आंसर मिलाएं. तो अगल बगल की सारी शैतानियां बंद कर दें और एक गो में कोशिश करें लेक्चर को कंप्लीट करें. लंबा लेक्चर है बट ये गारंटीड है इस लेक्चर के बाद आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. बहुत छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस करूंगा. तो भाई साहब, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखिए आप सबको पता है कि किसी भी बॉडी को हेडिंग लगाए पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, सारी नेगेटिविटी भगा दीजिए. अभी तक इसके पहले जो किया उसको भगा दीजिए. अब आपका समय शुरू हुआ. सेट टी इज इक्वल्स टू जीरो. इसके पीछे जो भी चीजें हुई सबको भूल जाओ. इस एक घंटे इस लेक्चर के सिवा जिंदगी में और कुछ नहीं चलेगा, ना आपके ना हमारे. तो बच्चों, हमें पता है कि कोई भी यदि बॉडी हो और उसको हम हीट करें तो वो रेडिएशन इमिट करती है. कोई भी बॉडी, ये मार्कर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये कैमरा हो गया, उसको अगर हम हीट कर दें तो वो रेडिएशन इमिट करता है. बिना हीट के भी करता है. जैसे जैसे हीट करोगे वैसे वैसे रेडिएशन उसमें से निकलने वाली बढ़ती जाएंगी. तो बेसिकली हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी की. ब्लैक बॉडी को अगर हम कोई एक टेम्परेचर दें तो वो किस तरह की रेडिएशन इमिट करता है. जैसे ब्लैक बॉडी में आप सन को भी ले सकते हो, कोई स्टार भी ले सकते हो. अलग अलग टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस का नेचर अलग अलग होता है. मान लो मेरे हाथ में एक ब्लैक बॉडी है, इसमें से 100 रेडिएशन निकल रही है. सोच लिया, इसमें से 100 रेडिएशन निकल रही है. तो पहली बात तो यह कि सारी 100 रेडिएशन एक जैसी नहीं होंगी. कुछ रेडिएशन की वेवलेंथ कुछ और, कुछ रेडिएशन की वेवलेंथ कुछ और, कुछ की वेवलेंथ कुछ और. मतलब बहुत तरह की रेडिएशन निकलती हैं एट अ गिवन टेम्परेचर. पर इन 100 में से करीब 80 रेडिएशंस की वेवलेंथ बहुत क्लोज होगी. मतलब 80 रेडिएशन एक तरह की होंगी, बची हुई 20 रेडिएशन अलग अलग तरह की होंगी. ठीक है, ठीक है. मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. यहां मैं लूंगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. सब धीमे धीमे आएगा. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी होता है बच्चों एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. आप ऐसे भी समझ सकते हो इंटेंसिटी को, नंबर ऑफ रेडिएशंस, कितनी रेडिएशंस निकल रही हैं उसको भी आप इंटेंसिटी कह सकते हो, या एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम.
और नीचे मैं ले रहा हूं वेवलेंथ, तो एक गिवन टेम्परेचर पे एक ही तरह की वेवलेंथ नहीं निकलती, बहुत तरह की निकलती है। तो हमने ग्राफ बनाया कि कितनी छोटी वेवलेंथ निकली, कितनी बड़ी, कितनी सबसे बड़ी। तो ग्राफ बच्चों कुछ इस प्रकार का आया, ठीक है। मतलब एक गिवन टेम्परेचर है, लेट इट बी टेम्परेचर टी वन। एक गिवन टेम्परेचर पे हमने देखा कि किस किस वेवलेंथ की रेडिएशन कितनी कितनी निकल रही, इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ रेडिएशन। तो हमने देखा कि इस वाली वेवलेंथ की रेडिएशन इतनी है, सिर्फ इतनी सी, ठीक है, मान लो 10। इस वाली वेवलेंथ की रेडिएशन मान लो 20। इस वाली वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रही, ठीक है। ब्लैक बॉडी में से 100 रेडिएशन निकली, उसमें से 80 रेडिएशन जो थी वो इस वेवलेंथ की है। इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का ये मतलब नहीं कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसका मतलब वो वेवलेंथ या वो रेडिएशन जिनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। 100 में से सबसे ज्यादा हमने 100 रेडिएशन देखी, इसकी वेवलेंथ ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी। हमसे पूछे सबसे ज्यादा तरह की रेडिएशन कौन सी है, आप बोलोगे ये वाली। फिर वेवलेंथ और हमने देखा कि और कौन कौन सी वेवलेंथ, तो हमने देखा ये वाली वेवलेंथ भी है पर ये भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो ब्लैक बॉडी की एक कैरेक्टरिस्टिक बात सामने आई कि हर ब्लैक बॉडी का ग्राफ यही बनेगा। आइडियल कंसेप्ट है ना ब्लैक बॉडी, दो ब्लैक बॉडी अलग अलग नहीं होती, दो ब्लैक बॉडी अलग अलग नहीं, सबसे। तो किसी भी ब्लैक बॉडी का हमने जब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरह का आया, यानी उसके स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम समझते हैं, जो उसमें से रेडिएशन निकल रही उसका जो वेवलेंथ का हमने ग्राफ बनाया, स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेवलेंथ थी, पर कोई एक वेवलेंथ ऐसी थी जो उस स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम क्वांटिटी में आई, मैक्सिमम एनर्जी नहीं, मैक्सिमम क्वांटिटी में आई, उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आ रही थी। मैं ये नहीं कह रहा ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है, मेरी बातें समझो, ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली है, भरा हुआ था स्पेक्ट्रम इस वेवलेंथ से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स, और लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस ऑफ दिस लैम्डा इज मैक्सिमम। स्पेक्ट्रम इस रेडिएशन से भरा पड़ा था, निकल तो बहुत सी रही है पर ये सबसे ज्यादा निकल रही। पहली बात हमें ये समझ में आई। फिर हमने बच्चों क्या किया, हमने कहा कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं और बढ़ाकर देखते हैं कि इस ग्राफ पे क्या असर पड़ रहा। तो हमने टेम्परेचर T2 लिया और T2 टेम्परेचर पे बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा बना, T2 टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा बना, दिस इज टेम्परेचर T2। क्या चेंज हुआ, एक तो आपको लग रहा है कि ग्राफ ऊपर चला गया, तो ऊपर चले वाले फैक्टर को मान भी सकते हो नहीं भी, कभी ऊपर जाएगा कभी नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा दिख रही है वो पिछली बार से छोटी हो गई है। इसको अगर मैं लैम्डा 1 बोलूं, इसको लैम्डा 2, तो इस बार जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम में दिखी वो पिछले वाले से छोटी हो गई। हमने टेम्परेचर को और बढ़ाया तो टेम्परेचर और बढ़ाने पे ग्राफ ऐसा हो गया, T3 टेम्परेचर, वेयर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो T3 पे भी डिफरेंट वेवलेंथ निकल रही है, ये वाली वेवलेंथ भी है, ये वाली वेवलेंथ भी है, पर जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो पिछली बार से और कम हो गई। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस। लैम्डा मैक्स क्या है, ऐसी वेवलेंथ, ऐसी रेडिएशन जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमने देखा एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं वैल्यू लेता हूं, एग्जाम्पल में आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रहा हूं जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए, मैच करेगी डेटा से कि नहीं मुझे नहीं पता। मान लीजिए T1 की वैल्यू है, मान लीजिए टेम्परेचर अपना है 2000 केल्विन, यहां टेम्परेचर यहां वेवलेंथ, ठीक है। मान लीजिए टेम्परेचर अपना 2000 केल्विन, तो हमने देखा जो लैम्डा मैक्स आ रहा, ये जो वैल्यू आ रही ये वाले पे, पहले टेम्परेचर पे, इसको मैंने मान लिया टेम्परेचर 2000 केल्विन, इसको मान लेते हैं 3000 केल्विन, इसको मान लेते हैं 4000 केल्विन।
तो जब टेम्परेचर सबसे कम है तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो हमने मान लिया लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ रही है 1.5 × 10⁻⁶ मीटर। आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रहा हूं, रैंडम वैल्यू, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। हमने कहा टेम्परेचर बढ़ा के 3000 केल्विन किया तो हमने देखा लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो गई 1 × 10⁻⁶ मीटर। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ा लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो गई। हमने टेम्परेचर और बढ़ाया 4000 केल्विन, हमने देखा लैम्डा मैक्स हो गया 0.75 × 10⁻⁶ मीटर। ये वाला टेम्परेचर और बढ़ा, लैम्डा मैक्स और पीछे, ठीक है। मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा मैक्स displaces towards shorter value, lambda max displaces towards shorter value as temperature increases। ये बात हमको समझ में आई, lambda max की मीनिंग समझ में आ गई, यानी as temperature increases lambda max displaces towards shorter value। इसी बात को वीन्स ने अपने लॉ में समझाया। वीन्स ने अपने लॉ में कैसे समझाया, जरा मैं आपको बहुत खूबसूरत चीज दिखा रहा हूं। आप एक काम करो, लैम्डा 1 × T1 निकालो, लैम्डा 2 × T2, लैम्डा 3 × T3, आपको दिखेगा सबकी वैल्यू सेम है। लैम्डा 1 × T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 × T2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 3 × T3। ऐसा हुआ ब्लैक बॉडी के लिए, ऐसा हुआ इवन किसी भी बॉडी के लिए हुआ, पर हम ब्लैक बॉडी का ही हम डिस्कशन। भाई ब्लैक बॉडी एक आइडियल चीज है ना, बाकी जो जी रहे हैं लोग वो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कुछ उसको फॉलो कर पाते हैं, कुछ उसको कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, सो 2 × 1.5 = 3, 3 × 1 = 3, 4 × 0.75 = 4, 5 = 20, 4 × 7 = 20 = 2, 3, यानी सबकी वैल्यू सेम आ रही। इसी को हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नाम के लॉ के नेम में डिस्प्लेसमेंट वर्ड इसलिए आया, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा मैक्स शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। बार बार बोल रहा हूं लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, ऐसी वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में थी, नंबर ऑफ रेडिएशन उसकी सबसे ज्यादा। Lambda 1 into T1 is equal to Lambda 2 into T2, Lambda 3 into T3. This is Wiens displacement law. यानी आप ये भी बोल सकते हो कि Lambda max is inversely proportional to, बोलो बोलो लो, inversely proportional to temperature. जैसे जैसे temperature बढ़ रहा Lambda max घट रहा, इसको भी आप Wiens displacement law कह सकते हो। तो Wiens displacement law हमसे ये कहता है, मैं ये मिटा दूं, Wiens displacement law, ये भी मिटा दूं, ये मिटा देता हूं एग्जाम्पल। Wiens displacement law हमसे ये कहता है कि lambda max is inversely proportional to T, या lambda max is equals to some constant upon T, equality लगा दी, या lambda max into T is equals to constant। देखो यही तो हो रहा है, lambda 1 T1 is equals to lambda 2 T3 through lambda 3 T3 and all equal to a constant B, जिसको हम बोलते हैं Wiens constant। विन के नाम पे पड़ गया जिन्होंने लॉ दिया, Wiens constant। यानी किसी भी ब्लैक बॉडी का, किसी भी ब्लैक बॉडी का अगर हम स्पेक्ट्रम देखें और उस स्पेक्ट्रम में से देख लें कि कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो लैम्डा मैक्स हो गई। B एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, B की वैल्यू फिक्स है, B की SI यूनिट में वैल्यू 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन। देखो B क्या होगा, लैम्डा मैक्स वेवलेंथ की SI यूनिट होगी मीटर, टेम्परेचर की केल्विन। तो ये तो किसी भी ब्लैक बॉडी का हम स्पेक्ट्रम देखें और उसमें से देखें कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लैम्डा मैक्स, वो भी हमको पता चल गया एक्सपेरिमेंट से। अब उस ब्लैक बॉडी को बिना टच किए, बिना उस ब्लैक बॉडी को देखे, सिर्फ उसका स्पेक्ट्रम देख के हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू कांस्टेंट है, हम उस बॉडी का टेम्परेचर बता सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी स्टार का टेम्परेचर बता सकते हो। भाई सन का टेम्परेचर कैसे कोई कैलकुलेट करेगा, सन का टेम्परेचर कोई कैसे कैलकुलेट करेगा, सन पे जाएंगे थर्मोमीटर लगाएंगे सन का टेम्परेचर निकालेंगे
सन पे जाएगा आप ऐसे थर्मामीटर खोल, यस सन गड़ गया, ये तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, हम सन का स्पेक्ट्रम अर्थ पे आ रहा है, अर्थ पे सन की रेडिएशन आ रही, हमने सन के स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया, देखा कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो हो गई लैम्डा मैक्स। बी की वैल्यू हमको पहले से पता थी, हमने दोनों वैल्यू रखी, हमें सन का टेम्परेचर मिल गया। अपन से बहुत लाइट ईयर्स दूर कोई स्टार है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका स्पेक्ट्रम आया, उस स्पेक्ट्रम में से हमने उसकी लैम्डा मैक्स देखी, कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। बी उसके लिए भी सेम, क्योंकि सारे स्टार्स को हम ब्लैक बॉडी मानते हैं, ये बी की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए है। क्या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बाकी बॉडी नहीं फॉलो करती, करती हैं पर आइडियली नहीं करती ना, ब्लैक बॉडी का आइडियल चीज है, परफेक्टली लॉ को फॉलो कर रही। तो कोई तारा बहुत दूर है अपन से, लाइट ईयर्स दूर, हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं, उसकी रेडिएशन देखी, स्पेक्ट्रम देखा, मैक्सिमम वेवलेंथ हमको पता चली है, यहां रखा B की वैल्यू रखा, एंड वी गॉट द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार। तो बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था ये साइंस में, कि एक डिस्टेंट लाइट ईयर्स दूर एक तारा, जैसे अपना सन तो लाइट मिनट्स है, 8.3 लाइट मिनट्स दूर है, बहुत दूर कोई तारा है, हम उसका भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं, अप्रोक्स आएगा। तो सन का टेम्परेचर एग्जैक्टली किसको पता है, अप्रोक्सी तो है सब, क्लियर है। ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, पर ये ग्राफ सिर्फ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए नहीं है, इससे बहुत सी नई नई बातें पता चली, इस ग्राफ से बहुत सी नई नई बातें पता चली। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ग्राफ का, ये तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्लियर हो गया ना एकदम, नोट कर लें इसको, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू बी फॉर एनी ब्लैक बॉडी, और ये बी की वैल्यू, इसका इस्तेमाल भी समझ में आ गया किस लिए करते हैं। इस ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का, जैसे इस वाले ग्राफ का, इस वाले ग्राफ का जो एरिया है बच्चों, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ हमें देता है टोटल इंटेंसिटी एट दैट टेम्परेचर। मतलब इस ग्राफ का यदि हम एरिया निकालें किसी भी ग्राफ का, तो हमें टोटल इंटेंसिटी पता चल जाएगा, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी आ रही उस ब्लैक बॉडी से एट अ गिवन टेम्परेचर। ग्राफ के एरिया से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकली, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं पूछूं कब ब्लैक बॉडी ज्यादा रेडिएशन इमिट कर रही, ज्यादा नंबर में, मतलब ज्यादा वैल्यू में, ज्यादा जूल्स में, T1 टेम्परेचर पे, T2 पे, कि T3 पे, डेफिनेटली T3 पे। T3 पे ग्राफ का एरिया सबसे बड़ा, देखो बहुत ज्यादा एरिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें से टोटल रेडिएशन भी बढ़ जाएगी। ये मैंने पहले भी, ये बहुत कॉमन चीज है, किसी भी चीज को हीट करते जाओ उसमें से टोटल रेडिएशन ज्यादा निकल ले, गर्म आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, ज्यादा सामान तोड़ो फोड़ोगे। सो हम ये समझ गए कि हायर टेम्परेचर पे वी हैव मोर रेडिएशंस। ग्राफ से कई बातें पता चली, एक तो ये पता चला, एक ये बात पता चली, ये फर्स्ट पॉइंट तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट ये भी पता चला, तीसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपने ये तो समझ गए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ रही है, नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ रही है, टोटल एनर्जी ज्यादा आ रही है, पर कैसे, मतलब टेम्परेचर डबल करने पे रेडिएशन डबल होगी, या टेम्परेचर डबल करने पे रेडिएशन तीन गुना होगी, या चार गुना, कैसे प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। सो हमने देखा ग्राफ का एरिया, प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर की पावर 4 पे। आई रिपीट, ग्राफ का एरिया प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर की पावर 4 पे, यानी टेम्परेचर को डबल करने पे ग्राफ का एरिया 16 गुना बढ़ रहा था, यानी एनर्जी रेडिएटेड 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। टेम्परेचर डबल करोगे एनर्जी 16 गुना, टी की पावर 4। टेम्परेचर को ट्रिपल करो, तीन गुना बढ़ाओ, तो एनर्जी रेडिएटेड 3 की पावर 4 81 टाइम्स बढ़ जाएगी। ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है, टोटल इंटेंसिटी एट दैट टेम्परेचर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यह रहा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब हमें तीसरी बात बच्चों ये पता चली, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, जो कि आगे स्टीफान्स लॉ बन जाएगा।
नोट करें पहले इतनी बातें, तीन बातें इस ग्राफ से इंपॉर्टेंट पता चली। लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एरिया अंडर ग्राफ देता है टोटल इंटेंसिटी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया अंडर ग्राफ बढ़ रहा है, टोटल इंटेंसिटी बढ़ रही है। टोटल इंटेंसिटी किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही, ये जो एरिया है ये टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड कर रहा। तीन बातें इस ग्राफ से निकलती हैं, तीनों बातें मैंने आपको बता दी, क्लियर है। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि ग्राफ ऐसे ऊपर जाए, एरिया ज्यादा होगा, शिफ्टिंग भी पीछे होगी, पर जरूरी नहीं ग्राफ ऊपर जाए। अभी समझा दूंगा। व्हाट इज मोस्ट ऑलवेज एसेंशियल इन दिस ग्राफ इज दिस कंडीशन। ये सब भी होगा, पर मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि ग्राफ की पीक ऊपर चली जाएगी। ये लिखा क्या मैंने, मैं लिखा क्या कि ग्राफ की पीक नहीं, कहीं नहीं लिखा मैंने। शिफ्टिंग होगी, एरिया ज्यादा होगा, पर पीक ऊपर जाएगी, ऐसा किताबों में यही बनता है तो मैंने भी यही बनाया। क्लियर है, मिटा दूं? ओके, मतलब हमें जो ग्राफ देंगे ना वो अलग अलग टेम्परेचर पे देंगे, तो किसी टेम्परेचर पे ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। भाई हमने तो कोई तीन टेम्परेचर अपने मन से उठा लिए, वो पता नहीं किस टेम्परेचर पे दें, हर टेम्परेचर पे ग्राफ अलग हो जाता है, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग बिग ब्रेक थ्रू इन एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। बहुत बहुत बड़ा लॉ है ये, इससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। खैर, हमको जो पढ़ना है वो है जेई 2002 में आया इसका सवाल। तो जेई 2002 में हमको एक प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल दिया कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इंटेंसिटी लेंगे, यहाँ पर उन्होंने कहा हम वेवलेंथ लेंगे, और तीन डिफरेंट ब्लैक बॉडी का ग्राफ बनाया, तीन डिफरेंट ब्लैक बॉडी का। तो उन्होंने ग्राफ बनाया कि ऐसा इन्होंने ग्राफ बना के हमको तीन ब्लैक बॉडी का दिया, ठीक है, ऐसा मान लो। ने बोला ना ग्राफ अलग अलग तरह के मिलेंगे। सो यहां इन्होंने बोला टेम्परेचर T1, यहां बोला टेम्परेचर T2, यहां बोला टेम्परेचर 33। आपसे सवाल पूछा क्या, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, है ना, T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 वगैरह वगैरह। ऑप्शन सी हमारा हो गया T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T1। ऑप्शन डी हमारा हो गया T2 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T3। इस तरह के सवाल उन्होंने हमसे पूछे। आप कंसेप्ट सिर्फ पहला वाला लगाओ, यहां पे ये रहा इसका लैम्डा मैक्स, ये रहा इसका लैम्डा मैक्स, ये रहा इसका लैम्डा मैक्स। आप देख रहे हो लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3, ठीक रहा, लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3 दिख रहा, नहीं अच्छा ये लैम्डा 3 है ना, थोड़ा सा ये और ये 2, ओके। तो आप देख रहे हो लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 3 ग्रेटर देन लैम्डा 2, वेरी सॉरी ये टेम्परेचर T3 था, ध्यान देने वाली बात थी। अब आपको पता लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो भाई साहब T1 लेस देन T3 लेस देन T2, तो T2 का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट, उसके बाद T3, उसके बाद T1, ऑप्शन सी, क्लियर है। अब समझ, अच्छा एरिया देखो, इसका एरिया कम, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, T2 वाले का, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज्यादा, T3 का उससे कम, T1 का। एरिया वाली बात भी सही आ रही है, बस वो पीक वाली बात हमेशा सही नहीं होती। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर दूसरा सवाल, इसमें एक बहुत पहले पूछा था जेई ने, 1997 में पूछा था, 1997 में, है ना, तो 1997 में इन्होंने क्या पूछा था कि हमारे पास दो तारे हैं, एक है हमारे पास सन और एक हमारे पास कोई नॉर्थ स्टार है, और बोला सन से निकलने वाली रेडिएशन का जो लैम्डा मैक्स है, जिसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उसकी वैल्यू है 510 नैनोमीटर, और स्टार से निकलने वाला जो लैम्डा मैक्स है जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो है 350 नैनोमीटर। क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ सन टू टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ स्टार, आपको ये निकालना है टेम्परेचर ऑफ सन टू टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ स्टार रेशियो। तो बहुत सिंपल है, तुरंत कर लोगे, आपको पता है लैम्डा इंटू टी इज इक्वल्स टू, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा 1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इंटू T2, यही तो है वींस लॉ, या सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लैम्डा इज इनवर्स। तो भाई टेम्परेचर के लिए उल्टा लिख देंगे लैम्डा ऑफ नॉर्थ स्टार डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ सन, सही है,
सही है। यहाँ देखो टेम्परेचर ऑफ सन इंटू लैमडा ऑफ सन, टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ स्टार इंड लैमडा ऑफ नॉर्थ स्टार। तो लैमडा ऑफ नॉर्थ स्टार इज 350 और सन का है 510, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब मेरे को अप्रॉक्स आंसर चाहिए तो मैं इसको करीब करीब जीरो मान लेता हूँ। सो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 70/100, तो दिस इज 0.7 अप्रॉक्सीमेटली। जो करेक्ट ऑप्शन दिया था एग्जाम में वो 0.69 का एक ऑप्शन था, तो उसको हमें मारना था। ठीक है, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन कर लेंगे क्योंकि बाकी वैल्यूज काफी दूर थी। क्लियर, बहुत सिंपल है। लैम्डा दे दिया, टेम्परेचर का रेशियो पूछा, बहुत ही सिंपल। अच्छा अच्छा, लैम्डा देके टेम्परेचर भी पूछ सकता है। लैम्डा देके टेम्परेचर, मान लो लैम्डा दे देगा लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर पूछ लेगा, तो लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू बी, और बी की वैल्यू अपन ने याद रखी है, एग्जाम में देता है 2.898 × 10⁻³ मीटर के लिए, वैसे देता है हमेशा वैल्यू। तो भाई साहब आपको ये कहानी अब समझ में आ गई कि जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वो छोटी वेवलेंथ इमिट करता है। यानी आप एक ये बात अब याद रखो कि जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा उसमें से निकलने वाली जो रेडिएशंस होंगी, उन रेडिएशंस का जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा उनकी जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी लो। कोई बॉडी छोटी छोटी वेवलेंथ की रेडिएशन दे रही और कोई बॉडी बड़ी बड़ी वेवलेंथ की रेडिएशन दे रही, तो जो छोटी वेवलेंथ दे रही है उसका टेम्परेचर हाई होगा। क्लियर, क्लियर है? जैसे कि आप ये बताओ कि सन से भी रेडिएशन निकल रही है और मेरे रूम में रखे मार्कर से भी रेडिएशन निकल रही है, किसकी वेवलेंथ बड़ी होगी? सन वाले की। अब तुरंत दिमाग में आता है सन बड़ा, वेवलेंथ बड़ी, नहीं, सन की वेवलेंथ छोटी होगी। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और ये बड़ी बड़ी वेवलेंथ निकालेगा। बड़ी बड़ी वेवलेंथ की एनर्जी कम होती है, छोटी छोटी वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा होती है। छोटी वेवलेंथ बड़ा टेम्परेचर, छोटी वेवलेंथ बड़ा टेम्परेचर, दिमाग में डाल लो ये बात। छोटी वेवलेंथ बड़ा टेम्परेचर, जितना बड़ा टेम्परेचर उतनी छोटी वेवलेंथ। खैर अब हम आते हैं स्टीफन्स लॉ पे, या उसी को आप स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ कह दो। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इन्होंने बोला द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू 4th power ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये कोई ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर यदि टी है तो इसमें से निकलने वाली रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। यही बात तो थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। फिर हमने कहा कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कॉन्स्टेंट लगाओ तो क्यू बटे ए इंटू टी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। ये हो गया अपना स्टीफन्स लॉ। दो लॉज आपने पढ़े हैं आज, एक वीन्स लॉ लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू बी, वीन्स लॉ, और एक ये पढ़ा स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ या स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक, अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा यूनिवर्सल कांस्टेंट है सारी ब्लैक बॉडीज के लिए। सिग्मा की वैल्यू होगी 5.67 × 10⁻¹ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। यहां से टेम्परेचर इधर आ जाएगा, एनर्जी जूल्स में, टाइम सेकंड में, जूल पर सेकंड बन गया वॉट, एरिया मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर की पावर 4 तो केल्विन की पावर 4। बाकी जेई ने कई बार इसको 6 × 10⁻¹ लेने के लिए बोला है, जेई ने और किताबों ने भी, किताब बोलती है 6 × 10⁻¹, छोटी सी वैल्यू देख रहे हो बट रियल कैलकुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाएगा एस्ट्रोनॉमी में, बट आपके लेवल पे बोल देते हैं 6 × 10⁻¹ लेके सॉल्व, तो आप दिमाग में एक वैल्यू याद रख सकते हो 6 × 10⁻¹ के अप्रॉक्स होगी। ठीक है, दे देता है इसकी वैल्यू, कभी हटाता नहीं, हमेशा देगा एग्जाम में। ठीक, अच्छा यहां से हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना, अब मैं एक लिखने जा रहा हूं कुछ, Q बटे टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4।
ए क्या हो गया, ब्लैक बॉडी का एरिया हो गया, इसका सरफेस एरिया जहां से रेडिएशन निकल सकती है, क्यू बटे टी एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पार बोल सकते हैं, सो पार इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज सिग्मा ए टी की पावर 4, इसको भी स्टीफन्स लॉ कई लोग कहते हैं, एक ही बात है सब, ये बोलो वो बोलो सब एक ही बात, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी तरह से इसको यूज करेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप वींस से याद रखो कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनलिटी की, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड, अभी धीमे धीमे और अंदर डेप्थ में जाएंगे, चीजें और समझाएंगे, अभी पहले पावर रेडिएटेड इज सिग्मा ए टी की पावर 4, तो नोट करें इतना, वींस लॉ स्टीफन्स लॉ फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दोनों लॉ किसके लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, बाकी बॉडीज भी फॉलो करती हैं पर वहां फिर बी की वैल्यू अलग होगी, बाकी बॉडीज के लिए शायद ये फॉर्मूला भी कुछ चेंज हो जाए, अभी बताएंगे चेंज होगा, सिग्मा ए टी की पावर 4, अच्छा अच्छा सिग्मा ए टी की पावर 4 नोट कर लिया, ये मिटा दूं, ओके सिग्मा ए टी की पावर 4, सिग्मा ए टी की पावर 4, तो स्टीफन्स बोल्ट्ज़मैन लॉ हमसे कहता है कि फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी पार इमिटेड इज सिग्मा ए टी की पार 4, फॉर एनी अदर बॉडी, अब मैं यहां पे पॉज लेके आपको समझाऊं, ब्लैक बॉडी बच्चों ऐसी बॉडी जो सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, ब्लैक बॉडी को कहीं पे रख दो तो उसके ऊपर जितनी रेडिएशन गिरेगी सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, अभी क्रिचॉफ लॉ है पिछले लेक्चर पढ़ाया, वो कहता है जो सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वो सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, आई रिपीट, जो सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वो सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी से ज्यादा रेडिएशन इमिट नहीं कर सकती, ब्लैक बॉडी इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स, फॉर दिस हीट ट्रांसफर, फॉर रेडिएशन, बहुत बड़ी चीज है ये, कोई भी बॉडी एक गिवन टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी से ज्यादा रेडिएशन इमिट नहीं कर सकती, कोई भी बॉडी, इवन कहीं पे फ्लेम हो, आई रिपीट कहीं पे फ्लेम जल रही हो, आग जल रही हो, और कहीं पे ब्लैक बॉडी सेम टेम्परेचर पे हो, फ्लेम के टेम्परेचर पे, दोनों में से ज्यादा रेडिएशन कौन देगा, ब्लैक बॉडी देगी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी, सो फॉर एनी अदर बॉडी द पार रेडिएटेड इज सिग्मा ए टी की पावर 4, और यहां पे एक कांस्टेंट लगता है ई, अब ये ई है इमिसिविटी, इमिसिविटी, इमिसिव पार नहीं वो अलग चीज है, ये इमिसिविटी है, कोई भी बॉडी होगी उसकी पार ब्लैक बॉडी से कम होनी चाहिए, मतलब इमिसिविटी की वैल्यू हमेशा, इमिसिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से कम और 0 से ज्यादा, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये बॉडी ब्लैक बॉडी बन जाएगी, किसी भी और बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू मान लो 0.5 है, मतलब ब्लैक बॉडी इतनी एनर्जी इमिट कर रही, कोई और बॉडी उसका आधा 0.5 गुना उसका इमिट कर रही, एट अ गिवन टेम्परेचर ये ज्यादा रहेगा, इमिसिविटी की वैल्यू मान लो 0.8 हो गई, मतलब ब्लैक बॉडी कुछ एनर्जी इमिट कर रही और ये उसका 0.8 गुना इमिट कर रही, 80%, ये 100% तो ये 80%, तो इमिसिविटी की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, और ये फॉर अ गिवन मटीरियल अलग अलग होगा, हर मटीरियल के अलग अलग, भाई कोई ज्यादा हीट इमिट करना चाहता है, कोई कम इमिट करना चाहता, कुछ बॉडी एकदम ही हीट नहीं इमिट करती, हम करेंगे ही नहीं, कुछ इमिट नहीं कर रही है तो उनकी इमिसिविटी वैल्यू 0, कुछ सारी इमिट कर देती हैं ब्लैक बॉडी, है ना, जैसे फॉर ब्लैक बॉडी, अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी के लिए हम बोल सकते हैं इमिसिविटी की वैल्यू है 1, इमिसिविटी, तो ब्लैक बॉडी के लिए आपको याद हो तो मैंने बताया था एब्जॉर्प्टिव पावर भी 1 होती है, यानी ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर सेम होती है, सभी बॉडी की सेम होती है, वैसे वैल्यू वाइज ये दोनों वैल्यू सभी बॉडी के लिए सेम आती है, इसका एक अलग प्रूफ है, बस लिख दिया मैंने, अब याद रखो किसी भी बॉडी की इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है, एग्जैक्टली
खैर अभी वो अपना टॉपिक नहीं है, यहाँ पे वापस आते हैं, इसको मैं मिटा दूँ, आप कन्फ्यूज हो गए, जिनको समझना था वो समझ गए। तो पावर इमिटेड बाई ब्लैक बॉडी सिग्मा ए टी की पावर 4, पावर इमिटेड बाई एनी अदर बॉडीज ई सिग्मा ए टी की पावर 4, पार क्यू बाई टी, पार क्यू बाई टी, पार क्यू बाई टी। लॉ कहाँ से आया? इंटेंसिटी से, क्यू बाई ए इंटू टी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। और साथ में मैं अब ई लगा दूँ, ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू कितनी रख दो, 1, सबसे ज़्यादा हीट इमिट कर रही। कोई और बॉडी है तो ई की वैल्यू 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.3, 0.35, जो भी है, E की वैल्यू 1 से कम, फॉर एनी अदर बॉडी, फॉर एनी अदर बॉडी डेफिनेटली ई इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकती है, एकदम ही इमिट नहीं कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? दिस इज स्टीफन्स लॉ, कंप्लीट स्टीफन्स लॉ। अच्छा, अभी इसमें और भी बातें आएंगी। सर बातें खत्म ही नहीं होती, अरे बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर ही जी रहा। ओए होए, तो भैया पहला सवाल, हमारे पास एक हीटर है जो पावर रेडिएट कर रहा है 6000 वॉट, जो पावर रेडिएट कर रहा है, पावर रेडिएट कर रहा है 6000 वॉट। उस हीटर का जो कॉइल है, उस कॉइल का जो एरिया है, कॉइल एरिया दैट इज 0.1 meter square। हमसे बोला फाइंड द टेम्परेचर ऑफ कॉइल अज्यूमिंग इट अ ब्लैक बॉडी। अज्यूम करना है कि हीटर का कॉइल एक ब्लैक बॉडी है, और हमको सिग्मा की वैल्यू उन्होंने दिया है 6 × 10⁻¹⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। टेम्परेचर निकालना है आपको, टेम्परेचर निकालना है आपको, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ए बी सी डी, टेम्परेचर निकालना है आपको। तो इसका टेम्परेचर का ऑप्शन है 500 केल्विन, 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, 2500 केल्विन, अप्रॉक्स या एग्जैक्ट जो भी आ रहा है। सो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, अब मज़ा आएगा। लेक्चर में दोनों लॉ पढ़ा दिए, अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन। ओके, हो गया पॉज करके, 1, 2, 3, 4। सो आंसर क्या आ रहा है इसका? शायद 1000 केल्विन आना चाहिए, आइए देखते हैं। सो ब्लैक बॉडी मान के पावर पी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4, चाहो तो ई लगा लो, फिर बोलो ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1, इमिसिविटी की वैल्यू। बाकी बॉडीज भी इस लॉ को फॉलो करती हैं, उतने अच्छे से नहीं है ना, तो ई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। खैर, तो पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4 वैल्यू रखते हैं। पावर की वैल्यू है 6000 वॉट, सिग्मा की वैल्यू है 6 × 10⁻¹⁸ एसआई यूनिट में, एरिया को एसआई यूनिट में करें, एसआई में दिया है 0.1, और टेम्परेचर की पावर 4, टेम्परेचर ही निकालना है। तो 6 × 6 कैंसिल हो गया, 1000 बन गया ये 6000 से। और बताओ 0.1 को 10⁻¹⁰, 10⁻¹⁰, 10⁻⁹ बोले सही है, 10⁻⁹ × 10⁻⁹ इंटू टी की पावर 4, ये है 10⁻³। तो ये इधर आएगा, तो इधर आके 10⁻⁹ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐड हो जाएगा 10⁻½ इज इक्वल टू टी की पावर 4। यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी 10⁻½ की पावर 1/4। सो टी इज इक्वल टू इधर के पावर, टी इज इक्वल टू 10⁻³, 10⁻³। सो टी इज 1000 केल्विन, ऑप्शन बी। क्लियर? सिंपल सा सवाल था, कंसेप्ट बेस्ड, चले फॉर्मूला बेस्ड मिटा दें। ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, हलवा जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, अच्छा एक कंसेप्ट और बताते हैं आपको इसी में। मान लो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तब हम बोलेंगे पार रेडिएटेड हो जाएगी ई सिग्मा ए टी की पावर 4। ब्लैक बॉडी टेम्परेचर टी था, ई की वैल्यू 1 है ब्लैक बॉडी के लिए, कोई और बॉडी है तो ई की वैल्यू डिफरेंट, मैं ई लेके चल रहा हूं साथ में, आप याद रखो ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1, ठीक। और पावर एब्जॉर्ब, इस टाइम ये पावर एब्जॉर्ब भी करेगा बिकॉज ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर, ये सारी हीट है इसकी, ये भी तो प्रॉपर्टी होती है ना ब्लैक बॉडी की, हीट को हम एब्जॉर्ब कर लें जो हीट हमारे ऊपर पड़ रही है। तो ये पार एब्जॉर्ब करेगा बच्चों,
ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। 2014 मेंस में इसका सवाल आया, देखो कोशिश करेंगे आज डिस्कस कर लें, लेक्चर की लेंथ लंबी ना हुई तो। पार एब्जॉर्ब बाय अ ब्लैक बॉडी या पार्शली ब्लैक बॉडी ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4, जहां पे टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर और रेडिएटेड ये, मतलब अगर हम बात करें नेट पार रेडिएटेड, नेट एनर्जी रेडिएटेड कितनी हो जाएगी बच्चों, ये रेडिएटेड ये एब्जॉर्ब, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये रेडिएट हुई ये एब्जॉर्ब हुई, तो नेट रेडिएशन कितनी हुई, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये है कंप्लीट स्टीफंस लॉ, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सवाल में दिया, पिछले सवाल में सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया था, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हमें दे तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, रेडिएटेड इतना एब्जॉर्ब इतना, तो नेट पावर रेडिएटेड या नेट पावर लॉस होगा, जो लॉस हुआ माइनस जो फायदा हुआ। क्लियर? जैसे इस पे एक सिंपल सा सवाल कि मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है बीबी, बीबी की वाइंस ब्लैक बॉडी, जिसका एरिया हमको दे रखा है 10 cm², बहुत बढ़िया, सराउंडिंग टेम्परेचर हमको दे रखा है 27°C, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हमको दे रखा है 127°C, हमसे पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ पावर लॉस, रेट ऑफ पावर लॉस ऑफ ब्लैक बॉडी, सिग्मा की वैल्यू आपको पता ही है, जो यूज करना हो कर लो, 6×10⁻¹ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, एक्चुअल में 5.67 लेकर था, अप्रोक्सली बताओ, इज नियरली, मैं चार ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ए इज 0.5 वॉट, बी इज 0.75 वॉट, सी इज 1 वॉट, डी इज 1.5 वॉट। चलिए ट्राई करिए इसको, बहुत ही सिंपल सवाल, पॉज करके इसको ट्राई करेंगे, बॉडी का एरिया 10 cm², टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 27°, टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं रखना है, सबको पता होगा, इतनी फिजिक्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं अब तक कि टेम्परेचर को हम किस में रखते हैं, केल्विन में, ठीक है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, तो केल्विन में रखना होगा, हो गया, 1, 2, 3, 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, आंसर इज सी 1 वॉट। सो कैसे आया, नेट पावर लॉस इज इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, अब बोल के रखा है ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू 1 हो गई, इसको हटाओ यहाँ से, सो सिग्मा इज 6×10⁻¹, एरिया क्या दिया है 10 cm², तो ये हो जाएगा 10×10⁻⁴ m², तो 10×10⁻⁴, टी की पावर 4 ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, केल्विन में चेंज करोगे तो इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, 273 + 127 200, 300 और 400, तो 400 की पावर 4 माइनस टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, इसमें 273 ऐड करोगे, 273 + 27 तो ये 300, माइनस 300 की पावर 4, सही, तो 6×, ये हो गया 10⁻³, 10⁻⁸, सही बोल रहा हूँ, 10⁻³ 12 और 11, 10⁻¹, सही लिखा है, -8, 12 और 11, -11, अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसमें 10⁻² 10⁻² × 10⁻⁴ 10⁻⁸ 10⁻⁸, सो 4×4⁴ × 10⁻⁸ -3⁴ × 10⁻⁸ लिख सकते हैं ऐसे, 10⁻² × 4 10⁻⁸, यहाँ से 10⁻⁸ बाहर निकाल सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है कि वो उड़ जा रहा है भाई, 4×4 × 10⁻² 4 10⁻⁸ 3×4 10⁻² 10⁻⁸, तो 10⁻⁸ बाहर आ जाएगा यहाँ से, 4×4 -3×4 × 10⁻⁸ बाहर ले लिया, सो वी विल कम आउट टू बी, इट विल कम आउट टू बी, यस, सो इट विल बी व्हाट, 6×10⁻¹⁰ 10⁻⁸ 10⁻⁹ 4×4 -3×4, सो 4×4 माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं 4² - 3² 4² + 3² है ना, तो 6×10⁻³ 4² = 16 -3² = 9 16 - 9 7 4² = 16 9 25, तो 10⁻³ को नीचे लिख लें 1000 1000,
25 ones are 25, 4s are 100 or 0, 46 sevens are 42 divided by 40. सही है, तो 42 बटे 40, तो कितनी वैल्यू आएगी है ना, करीब करीब कुछ 0.9 के आसपास आनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, बहुत ही क्लोज है. तो 0.9 के सबसे आसपास ऑप्शन अपना 1 watt. क्लियर है? अब ये समझ में आ गया कि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर भी दे रखा है तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर. और ये है क्या? पार. याद रखो, कभी एनर्जी पूछ लिया तो ये पार है, क्यू बाई यूनिट टाइम. कभी टाइम भी दे दिया तो टाइम की वैल्यू रख के आप एनर्जी भी निकाल सकते हो. क्लियर? चलिए चलिए, आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई. अब जरा मिक्सिंग करते हैं हम, जरा मिक्सिंग करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की और स्टीफंस लॉ की. तो मैं आपको पहले बता दूं करेंगे क्या, वो आपसे करेंगे क्या, वो आपको दो बॉडी का मान लो लैम्डा दे देंगे, लैम्डा वन लैम्डा टू, है ना, मैक्स वाला, ठीक है ना. इसकी मदद से आप T1 T2 निकाल सकते हो. भाई लैम्डा पता है तो T1 T2, लैम्डा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2. और इसकी मदद से आप हीट रेडिएटेड निकाल सकते हो, P1 सिग्मा ए टी की पावर 4, P2 सिग्मा ए टी की पावर 4. तो कहीं ना कहीं इन तीनों बातों का इस्तेमाल होगा. एक तो लैम्डा दे के टी, या तो उल्टा कर देगा, टेम्परेचर दे देगा, लैम्डा पूछेगा, कुछ ऐसा करेगा आपसे घुमा, या उल्टा हो जाएगा, आपको पार दे देगा और लैम्डा पूछेगा. इन बातों को अब हमें मिलाना है. सवाल देखो समझ में आएगा. तो सीधा हम सवाल ले लेते हैं इसका. जेई एडवांस 2015, जे डबल ई एडवांस 2015, क्या सवाल दिया हमको? उन्होंने कहा हमारे पास दो स्टार हैं और स्टार को ब्लैक बॉडी आप मानेंगे. वी हैव टू स्टार्स, इनको आप ब्लैक बॉडी मानोगे, ए एंड बी. रेडियस ऑफ ए इज 400 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी. रेडियस ऑफ ए इज 400 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी. पार इमिटेड बाई ए 10 की पावर 4 टाइम्स पार इमिटेड बाई बी. पार इमिटेड बाई ए 10 की पावर 4 टाइम्स पार इमिटेड बाई बी. ये दो इंफॉर्मेशन आपको दी. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा ए बाई लैम्डा बी वेयर लैम्डा ए एंड लैम्डा बी आर मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ. समझ गए होंगे ना क्या है ये, मतलब वो वेवलेंथ है जिनकी इंटेंसिटी इनके स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा. डेफिनेटली दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, तभी तो लैम्डा ए लैम्डा बी का रेशियो पूछा, वरना वन आता. दोनों ब्लैक बॉडी है ना, बोथ आर ब्लैक बॉडी. अगर टेम्परेचर सेम होता तो दोनों के लैम्डा की वैल्यू सेम. तो ये हमसे पूछा है और हमको ऑप्शन दिए हैं लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी के. ट्राई करिए आप पॉज करके, बी सी डी. हमको लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी का ऑप्शन दिया है 7 4 3 2. ओके, किसी प्यारे बच्चे का फोन नंबर तो नहीं है? 7 4 3 2 2 4 8 9 1 0. चल भाई सवाल को सॉल्व करेंगे रे. हे देखो, हमसे लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी पूछा है तो हमको पता है ये किसके इक्वल आएगा, टी बी बाई टी ए के इक्वल आएगा. यस और नो, है ना. लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें पता है. तो हमें टेम्परेचर चाहिए बी और ए का. अब टेम्परेचर निकालने के लिए स्टीफंस लॉ यूज कर लो यहाँ पे, है ना. हमसे पूछ रहा है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, इसको जरा कोपचे में रख देते हैं. हाँ, स्टीफंस लॉ यूज करो. सो पार ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा एरिया ऑफ ए इंटू टेम्परेचर ऑफ ए की पार 4 इज इक्वल टू 10 की पार 4 दिया हुआ है. पार ऑफ बी क्या हो जाएगा, सिग्मा एरिया ऑफ बी इंटू टेम्परेचर ऑफ बी की पार 4. सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एरिया ऑफ ए होगा पाई आर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ बी होगा पाई आर बी स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल. समझ रहे हो ना, 4πr² ना, स्फेयर है. स्टार्स को वैसे भी हम स्फेरिकल बॉडी मानते हैं, ठीक है. नहीं भी दे तो, दिया था वैसे जेई में देता है, नहीं भी दे तो आप स्टार्स को स्फीयर मानोगे. तो भाई एरिया हो जाएगा 4πr² 4πr² 4π कैंसिल. तो यहां से आएगा आर ए स्क्वायर इंटू टी ए की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू आर बी स्क्वायर इंटू टी बी की पावर 4. अब आर ए की वैल्यू इसके 400 गुना है, है ना. तो 400 टाइम्स, तो 400 आर बी का स्क्वायर इंटू टी ए की पावर 4 इज इक्वल्स 10 की पावर 4 इंटू आर बी का स्क्वायर टी बी की पावर 4. तो आर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 400 स्क्वायर.
बोले सही है, अरे 400 टाइम्स ऑफ आरबी का स्क्वायर, तो आरबी स्क्वायर कैंसिल, 400 का स्क्वायर बचा। सो 400 स्क्वायर 10 की पावर 2 और उसका स्क्वायर 10 की पावर 4, तो 4 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 इंटू टी ए की पावर 4 इज इक्वल 10 की पावर 4 इंटू टी बी की पावर 4, बोले सही है। 4 स्क्वायर 16, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कैंसिल, 4 स्क्वायर इज 16, तो 16 इंटू टी ए का स्क्वायर, टी ए की पावर 4, स्क्वायर कहाँ से लिख दिया मैं, हाँ इज इक्वल टू टी बी की पावर 4। तो हर तरफ पावर को 1/4 से डिवाइड करते हैं, तो 1/4 हो जाएगा इसका 2, ये हो जाएगा टी ए, ये हो जाएगा टी बी, नहीं आया, ऐसे कर लो टी, क्या चाहिए अपने को, टी बी बटे टी ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, सो टी बी बटे टी ए 16 की पावर 1/4 दैट इज 2। अब लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी क्या होगा बच्चों, टी बी बटे टी ए होगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो और इसकी वैल्यू कितनी है 2, द करेक्ट ऑप्शन इज 2, समझ में आया। तो इस तरह से जेई में वो स्टीफान्स लॉ और